हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम OBS की मदद से हम स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं अपने OBS स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए OBS स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इसमें अपने को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक सीन क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जो सीन्स दिखा रहा है ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू सीन में क्रिएट कर लेता हूँ, आसानी से आप समझ पाए। तो यहाँ पे मैं ओके करके सीन टू क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे जाके प्लस का बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि डिस्प्ले क्लिक करना है। तो यहाँ पे सोर्स जो है अपने बहुत सारे सोर्स हैं। अब इसमें से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए जो सोर्स है वो है डिस्प्ले कैप्चर। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कैप्चर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करूंगा, ओके करने के बाद यहाँ पे ये इस प्रकार की एक विंडो दिखाई देगी, जहाँ पे यहाँ पे आपको कैप्चर मेथड में आपको ऑटोमेटिक ही रखना है और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन यहाँ पे शो करेगा और कैप्चर कर्सर है। अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर कैप्चर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक रहने दें, और अगर नहीं तो इसको अनटिक कर दें। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको टिक रहने दूंगा। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आपको और भी कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, सेम टू सेम रखना है और ओके पे क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अगर ऑडियो अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें और ऑडियो इनपुट कैप्चर पर यहाँ पे क्लिक कर दें। और फिर यहाँ पे इस प्रकार का विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे माइक, जो भी माइक है आपको चूज करने के लिए बोलेगा, तो आपके पास जो भी माइक अवेलेबल हो, मेरे पास बोया माइक अभी मैंने यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोया माइक यूज कर लूंगा, यहाँ पे चूज कर लूंगा बोया माइक को। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो मेरे ये दोनों आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो स्क्रीन कैप्चर होने के बाद जो वीडियो बनेगा आपको, वो आपको कहाँ पे सेव करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जाना है। इस सेक्शन के अंदर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्राउज पे क्लिक करके आप जहाँ पे भी आपका वीडियो यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे यहाँ से सेव करना के लिए आप वो फोल्डर चूज कर लें। तो मैं जो यहाँ पे वीडियोस का जो फोल्डर है यही चूज रहने दूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से आपकी जो ये सेटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दें। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आप जो भी आपको स्क्रीन पर शो करना है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी यहाँ पे बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे, मेरे पास ये आ गया है, मैं बताना चाहूँगा ये एक OBS स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन रेक का सॉफ्टवेयर भी यूज़ करता हूँ। इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पे शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। और जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। और जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आप वापस से OBS स्टूडियो के अंदर चले जाएं। OBS स्टूडियो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपने जो भी वीडियो बनाया है वो आपके डेस्टिनेशन पे सेव हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं बता दूं कि मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया था।